दरख्वास्त है, ये मुख्तसर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सदर जनाब असद मंजूर भाई साहब और सेक्रेटरी हमारे कादर बहचान साहब। मैं मुख्तसरन जिस एक तो दोनों करारदादे जो हैं उनको मैं मनोन तस्लीम करता हूँ, हाउस ने भी तस्लीम किया इसे, जो चले जो दोनों करारदादे हैं मैं उन करारदादों की अपनी ज़ाती तौर पर हमायत करता हूँ, आगे हाउस जो इसका फ़ैसला करेगा। जिन दुखों जिन दर्दों जिन अजियतों को हम टेलीविज़न पर फ़लस्तीन के हवाले से मनाजर में देख रहे हैं और जो अजियत हमारे दिलों पर गुज़र रही है, जिस तकलीफ़ को आप अपने घरों में हम सब अपने घरों में महसूस कर रहे हैं वो नाकाबले बर्दाश्त है। और मैं उसी हवाले से चंद अशार पेश करूँगा, बस और कुछ भी नहीं, कि चलो चलो के अब सभी पायमाल रूहों से, चलो के अब सभी पायमाल रूहों से, कहें कि अपने हर एक ज़ख्म को ज़ुबां कर लें, और हमारा राज हमारा नहीं सभी का है, चलो के सारे ज़माने को राजदान कर लें, और चलो चलो के चल के सियासी मुकामरों से कहें कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है, और जिसे जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। और उठो उठो के अगर अब भी हम खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदा की खैर नहीं, और जुनू की डाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। और गुज़िश्ता गुज़िश्ता जंगों में तो घर ही जले, मगर इस बार गुज़िश्ता जंगों में तो घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाए। और गुज़िश्ता जंगों में तो पैकर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। अक्वामे मुत्तहिदा वालों, अमेरिका वालों, एटमी मुल्क की तरफ से ये बात सुन लो, ये जंग अगर बढ़ी तो तुम्हारी भी परछाइयां जल जाएंगी, याद रखना।